जब मेरे पापा की डेथ के दस बारह दिन पहले वो जब मेरे साथ यहाँ पर थे यू you नो know, मैंने लिटरली उस इंसान का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखा है मतलब मैंने उनके खाने से लेके उनके डायपर से लेके उनकी हर चीज़ यू नो मेरी मम्मी ने और मैंने यू you नो know, वो मौका उन्होंने मुझे दिया कि मैं उनके लिए वो कर सकूं यू नो और uh, well, यू नो दैट्स हम जैसे गम मस्ती में बोल देते हैं यार मैं मार दूँगी एक चांटा मार दूंगी निकल जा यू you नो know, वो कहीं ना कहीं अब मैं जब देखती हूँ ना वो मुझे इतना इम्पैक्ट कर रहा है कि यू नो एम नॉट लाइकिंग इट बिकॉज हम ऐसे एक दूसरे को दोस्ती लेवल पे बोल देते हैं ना तो ठीक लगता है बट वो टी वी पर इतना धाड़ धाड़ करके आया है एंड इट्स ड्रोमैटिक इट्स नॉट हेल्दी टू वॉच एक महीना और देखकर बिग बॉस मैं नींद में भी बता हूं। मैं बता रही हूँ मैं जब आंखें बंद करती हूँ ना मुझे बिग बॉस इतना मैं डर जाती हूँ और मैं लिटरली मेरी आंखें खुल जाती है हाई गाइज़ मैंने सिद्धार्थ के साथ एकदम दिल से बातें की हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए उनके यूट्यूब चैनल पर राइट नाउ अंकिता मेरी दोस्त मैं इसी सच्चे दिल से बताऊं आप ज्यादा प्रति लगते हो इन पर्सन यहाँ मुझे तो <laughs> आप सुनती you. है कि नहीं हाँ मैं बहुत सुनती हूँ अच्छा लग रहा है और आपके मुंह से सुनकर और अच्छा लग रहा है सो थैंक यू यार मैं एक बहुत इंटरेस्टेड हुआ एक इंदौर की लड़की मुंबई आई और ट्वेंटी में भी इतनी रेलिवेंट है yes. वो इंदौर की अंकिता के बारे में जानना चाहता हूँ वो कैसे मुंबई आई क्या वो पहले दिन से बोल रही थी यार मैं तो एंटरटेनमेंट की लड़की हूँ मैं तो छाऊंगी क्या था मैंने अपनी एक छोटी सी डायरी में मैंने मम्मी को एक नोट लिखा था मम्मी पापा को कि पापा मम्मा मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे हीरोइन बनना है और uh... वो दिन था और आज का दिन है यू नो आई स्टिल फील दैट यू नो मैंने अपने सपनों को एक्चुअली जिया है क्योंकि उस शहर में उस सपने को उस टाइम पे बड़ा करना और मम्मी पापा को एक्चुअली अगर पागल है छोटी है कुछ हो जाए मतलब यू नो बड़ी हो जाएगी ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अ, मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और दर आई केम थ्रू अ कॉन्टेस्ट जी सन स्टार की खोज मुझे याद है मैं इलेवेंथ में थी तभी और मैं एयर होस्टेस के लिए जाने वाली थी मुझे लग रहा था बस मैं इंदौर से निकल जाऊँ मुझे लग रहा था बस मैं हीरोइन बने कहीं बॉम्बे की तरफ एक मेरा वो हो क्योंकि यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली ंग अलाउड नहीं होता उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हीरोइन बनने जाना है तो पापा मम्मी भेज देंगे ऐसा कभी हुआ नहीं तो मुझे लगा एक फ्रैंकफिन uh, करके एक वो था इंस्टीट्यूशन uh, जिसमें ये थे थे yes, तो, yes, तो मुझे uh, मैंने उसके लिए अप्लाई hmm. किया था और मेरा यूनिफॉर्म रेडी होकर आ गया था और uh, उसके नेक्स्ट डे मुझे याद है जी सिने स्टार की खोज एक कॉम्पिटिशन आया था जी पर

इतनी प्रीटी हो उनकी वजह से राइट राइट अह आपके पिताजी क्या करते थे मेरे पापा एक्चुअली प्रेस में थे और मीडिया अच्छा, वाले येस, थे यस 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 तो वो उसमें थे लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी से ज्यादा सुंदर थे वो oh, ऐसा क्या यस ही वाज वेरी फेयर उनकी ग्रीन आईज थी एंड ही वाज वेरी 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 गुड लुकिंग गाय सो यस वो प्रेस में थे और uh, मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ की यू uh, नो you know, आप uh, कभी भी मम्मी पापा के ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं बन सकते यू you नो know? तो मैं आज जो भी हूँ जेन्यूनली यू नो आई एम ऑल बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग नॉट जस्ट माय मम्मा पापा आई थिंक माय होल फैमिली सपोर्टेड मी और आज तक वो मेरे साथ सब ऐसे खड़े हुए लाइक अ स्ट्रॉन्ग पिलर सो या तो आपकी दो दो भाई हैं मेरा एक भाई है अर्पण और और कोई है फार्मी? मेरे कजिन है लेकिन वो सब मेरे सच में रियल भाई बहन है सो so, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कौन कजिन है और कौन रियल है क्योंकि हम बहुत बड़ी फैमिली है माँसी के बच्चे हम सब साथ में रहते हैं

ये दिन भर मैं ये करता रहता हूँ तुम मुझसे माइक exactly, उठा के करवा रहे हो यार तो बिल्कुल वही सी है अपने लोगों को आप बहुत गारंटीड लेते हो मुझे लगता है hmm. तो मैं बट आई टेल यू व्हाट इफ यू टेक योर ओन पीपल फॉर ग्रांटेड इट कुड बी अ लाइन वेयर पीपल से क्या बोल रहे है

बट मी uh, जब आपकी माता जी एक स्कूल टीचर ही रेट आपके पिताजी उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपके लाइफ में देखो मैं लखनऊ से आया हूँ इंदौर या लखनऊ एक छोटा शहर वो नहीं कह रहा हूं पर अपने रूट्स बड़े सिंपल होते जी। हैं मुंबई में आते हम जैसे लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होता है यार yes. बहुत सवाइवल वहां पे तो सुकून होता है ये सब तो उन्होंने क्या फाउंडेशन ले किया आई थिंक उन्होंने मुझ पर हमेशा एक ट्रस्ट किया है यू you नो know, ट्रस्ट इज़ अ वेरी बिग फाउंडेशन यू नो जब आप मैं मुझे जब बॉम्बे आना था या जब मैं इंदौर में भी इंदौर में भी थी यू you नो know, मुझे कुछ भी करना होता था चाहे वो डांस के लिए हो चाहे वो यू you नो know, किसी प्ले uh, में पार्टिसिपेट करना हो क्योंकि मेरा हमेशा इंटरेस्ट इन्हीं की तरफ रहा है यू नो एंटरटेनमेंट के लिए ही मैं बनी हुई थी मुझे हमेशा से पता था उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया यू you नो know, और मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोली कहीं भी चले जाओ यू नो यू नो आप अपनी फ़ाउंडेशन जो होती है आपका आपका एक परिवार जो होता है हमेशा उससे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है सिद्धार जब भी मैं नए लोगों से यहाँ पर मिलती हूँ यू नो कितने नए आर्टिस्ट होते हैं एक्टर्स होते हैं जो मुझसे पूछते हैं आप हमें कुछ गाइड करो हम क्या करें मैं हमेशा उन्हें एक ही चीज़ बोलती हूँ जहाँ चले जाओ ना अपने मम्मी पापा को नहीं भूलना क्योंकि मुझे लगता है कि आ, आ, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ एक लड़की थी कश्मीर की लड़की थी वो मेरे साथ शूट कर रही थी उसका फोन बंद हो गया था वह छोटी सी बात थी मैं उसको घर ड्रॉप कर रही थी अपने साथ तो वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी तो मैंने उसको बोला आपकी आपका फोन बंद है, आपकी मम्मी को टेंशन नहीं हो रहा नहीं वो देख लूंगी मैं जाके तो मैंने उसको एक ही चीज बोली मैं जब भी बॉम्बे में या कहीं भी बाहर रहती हूँ फोन भी बंद होने वाला होता है ना आ, मैं किसी का फोन लेके मैं अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करूंगी कि प्लीज इस फ़ोन पे या नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ आप तो काम कर रहे हो लेकिन जो वहाँ बैठा हुआ है ना उसको सबसे ज़्यादा टेंशन होगा कि मेरी बेटी अभी कहाँ होगी यू नो सो आई डेफिनेटली फ़ील मेरा मेरा हमेशा बॉम्बे के आने के बाद क्या मैं इंदौर में भी मैं इतना मेरे फैमिली से जुड़ी हुई हूँ कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ या मैंने किस कलर के कपड़े भी पहने ना ये तक मेरी मम्मी को पता होता है मेरी मम्मी मुझे दस अभी शायद मेरी शादी के बाद मैं जब इस घर में आई हूँ मेरी मम्मी शायद इतनी रेगुलर वे से ऐसे मिल नहीं पाती फिजिकली लेकिन यू नो शी ऑलवेज उसको मतलब दस से बीस कॉल दिन में मेरे होंगे मम्मा के साथ जिसमें मैं पूछेगी क्या कर रही है खाना खाया ये किया वो किया एंड यू नो दैट्स माई मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हर क्योंकि उसको किसी चीज़ की चिंता ना हो तो मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन वो होना चाहिए जहाँ पे आपको फैमिली यू नो आप इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हो और आप इतना ट्रस्ट लेवल आपका हाई होना चाहिए कि वो कभी टूटना नहीं चाहिए बस Nice. तो तो मैं अभी 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 भी 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 मम्मी मम्मी फोन करती है हाँ, 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 और अभी अभी भी आप बोलते हो कि मैं यहाँ अभी, पे अभी मेरी मम्मी थोड़ा बिजी नहीं वो तो वो यही होती होती <laughs> ऐसा क्या <laughs> वो भी यही होती। लेकिन अभी मम्मा यहाँ पर है नहीं वो काम में है वो कुछ कर रही है घर पे लेकिन माय मदर इज लाइक मी एंड माय मदर आर लाइक दिस अपनी माँ की तरह बहुत हुँ? बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा मैं दोनों की तरह हूँ एक्चुअली मम्मी फिर भी थोड़ी मेरी यू नो समझदार है और है मेरे पापा ऐसे नहीं थे मेरे पापा बहुत ज़िद्दी थे और मुझे लगता है मैं अपने पापा जैसी भी हूँ यू नो जो बोलना है वो बोल दिया और छुट्टे हो गए यू नो तो मेरे पापा ऐसे थे लेकिन मेरी मम्मा बहुत सोच समझ कर बात करती है बहुत शांत है लेकिन हाँ मैं मम्मी जैसी दिखती हूँ और पापा जैसी मेरी बिहेवियंग पैटर्न है थोड़े समझे मैंने बेस्ट ऑफ बर्थ वर्ल्ड तुमने उठा लिया है ये क्योंकि जिद्दी होना भी मेरे अनुसार वो भी ज़रूरी होता है उसूलों पर राइट वेन यू लुक बैक इन लाइफ वट वुड यू बी योर हाइएस्ट पॉइंट जहाँ पे तो बोलो यू नो अन कीता तुमने ये कर लिया यार और मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से और इसमें ये नहीं आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी तारीफों के गुण कहो तो hmm. एक चीज आप खुद एक जब अकेले बैठते हो ना हाँ, मुझे बस इतना ही लगता है कि आ, मैंने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा यू नो दैट्स माई थिंक यू नो चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली प्रेजेंस होना हो कहीं कहीं आपको आ, हमेशा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप यू नो you know, आप आ, फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो आप फैमिली की आप मैंटली युद्ध है बट आप फिज़िकली शायद आप उतना रह नहीं पाते हो आप इतना बिजी रहते हो लेकिन मुझे लगता है मैंने तीनों सेक्शन्स में यू नो आई हैव फुलफिल्ड जो मेरी परिवार की नीड थी मेरी तरफ से यू you नो know, मैंने हमेशा उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की है और अपने माँ बाप के सपनों को जीना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है यू you नो know, आज मम्मी मुझे वहाँ देखती है पापा मुझे वहाँ देखते हैं और यू you नो know, उनको प्राउड होता है आई एम वेरी श्योर दे वेरी प्राउड ऑफ मी तो जब वो उनकी आंखों में वो चीज़ दिखती है ना कि ये मेरी बेटी है आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हाइएस्ट पॉइंट होता है आपकी लाइफ का जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया मैं you know, आप uh, कितने साल की थी जब आप काम करने लगी थी जब आप धन लगी मैं अठारह साल की थी जब मैं बॉम्बे आई थी खोज में और नाइनटीन उन्नीस 19, uh, साल की होंगी जब मैंने अपना फर्स्ट अर्निंग किया जो मुझे दस हजार रुपये मिले थे और uh, मुझे याद है उसमें मैंने अपनी नानी के लिए फ़ोन लिया था और बाकी के पैसे मैंने मम्मा को पहुँचा दिए थे नो दस हजार उस टाइम पर भी बहुत बड़ी रकम थी या, या। तो ऐसा लगा था बापरे मैंने क्या कमा लिया है तो या दैट वॉज दो हाईएस आप कह रहे हो जब आप उन्नीस साल की थी तब से आप घर में पैसा भेजने लगी जी

You're 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 a stunner. You're an intelligent girl. You're filled with expressions. I think, uh, you so know, मुझे हो? लगता है कि शायद मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई की मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मैं जितना भी मैंने काम किया है बिग स्क्रीन पे, you know, वो हमेशा अप्रिशिएट हुआ है बट यू नो मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेरे पास वो चीज आ रही है मुझे रोल्स मिल रहे हैं बट आई एम नॉट हैप्पी विथ वॉर आई एम गेटिंग चूजी अबाउट माई वर्ल्स मुझे लगता है मुझे मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए अगर वो मुझे नहीं मिलेगा देन आई एल नॉट डू इट आई एल नॉट जिस बी देर ऑन द स्क्रीन की पाँच मिनट के लिए आ गई और कुछ ऐसा वैसा कर लिया और मैं निकल गई सो आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग जो मुझे इंटरेस्ट करे तो यू नो इसलिए मैं बहुत वाइजली अपने डिसीजन लेती हूँ करियर में और अभी भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप लाइनअप है जैसे अभी मेरी फिल्म आ रही है वीर सावरकर और hmm, मैं उसके हम लोग बात किया तो लास था लास्ट टाइम तो मैं पावर यस तो मैं उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ तो जब ऐसे कैरेक्टर्स मेरे पास आते हैं जब मुझे कुछ पोट्री करने को मिलता है आई गेट वेरी एक्साइटेड यू नो तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वो एक काइंड kind ऑफ of, uh, uh, वो चीज़ हो चुकी है जहाँ पर मैंने बहुत एक्टिंग ओरिएटेड चीज़ें कर ली अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं कमर्शियली यू नो जैसे मैं हूँ मुझे ऐसा कुछ जहाँ मैं डांस कर सकूँ जहाँ मैं यू नो रोमांस कर सकूँ अलग टाइप का कुछ you know, जैसे फिल्मी दुनिया होती है मुझे बहुत फिल्मी हूं मैं।, मैं भी बड़ा मैं भी बड़ा मेलोड्रामेटिक हूं बहुत ज्यादा आई नो मुझे भी लगता है कि मैं हूं बस सब स्क्रीन पे लाना जरूरी है उसे बट तुम्हें लगता है कि

ढूंढ कर उस चीज को निकाल सकती हूँ तो मैंने जब भी कोई फिल्म किया ना मैंने मैं मैं हाँ, मैं मैं में में फर्स्ट अपियरेंस था स्क्रीन पे और मैं इतनी एक्साइटेड थी अपने आपको देखिए मैंने अपने को डंकीला डंकीला करते हुए देखा क्या लग रही हूँ मैं वाह ये चीज जो है ना मुझे अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है कि कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपने आप को देख के खुश हूँ या नहीं हूँ दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी सॉरी मैं रेफरेंसेस कर रहा हूँ अपनी बेटी से तो मेरी बेटी अधीरा है आठ साल की है hmm. तो पहला चीज मैंने उससे प्यार से पूछा कि hmm. तेरे सबसे ज्यादा किससे प्यार करती hmm. है तो बोली ये नाम ये नाम मैं नंबर टू hmm. था लिस्ट में नंबर वन <laughs> मेरी वाइफ थी चलेगा बट देन माई वाइफ टोल्ड अधीरा Number one should be you loving yourself. Yes, absolutely. And that's what I see in this, yes. Right? Yes. अपने छोटे छोटे चीज क्योंकि हम लोग क्या में चले जाते हैं ड्रेन इमोशनली एंड ऑल दैट राइट मैं कंगना को बहुत पसंद करता huh. like hmm. के लाइक के, सिस्टर्स hmm. like बन गए yes, right? yes, कैसा था वो फाउंडेशन वॉज देशन जहाँ पे दो लोग ऐसे क्लोज हो गए थिंक जब दो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना अपने अपने पर्सनैलिटी वाइज़ और आ, कंगना और मैं कभी हमने सोचा नहीं था हम इतने क्लोज हो जाएंगे लेकिन यू you नो know, जब आ, कंगना और मैं मणिकर्णिका पर मिले और जब कंगना ने एक्चुअली मुझे डिरेक्ट करना चालू किया यू you नो know, तब से हमारा वो फाउंडेशन और स्ट्रॉग बनता गया तो कंगना और मेरी कहानी कुछ ऐसी है नहीं लेकिन येस yes, इतना ज़रूर है कि आ, वो हमेशा मुझे देख होती बोलती यार ये तो हमारे जैसी यार पागल एकदम पागल यू नो सो आई थिंक वो वाइब है कहीं ना कहीं मेरी और कंगना की जो बहुत अच्छे से मैच करती है और कंगना ने यू नो आई वॉन्ट टू से दिस कि शायद मैं बिग बॉस में थी तभी भी कंगना ने मेरी मम्मा से भी बात की है और उन्होंने यस यस एंड यू नो जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था शी वाज वेरी वरेड अबाउट एवरीथिंग मेरे आने के बाद उन्होंने एक घंटा मुझसे बात की है और मुझे बहुत समझाया है कि क्या हो रहा है क्या कैसे करना चाहिए यू नो हैंडल योर मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी कैसे उसे हैंडल कर और कल मेरा कोई इंटरव्यू देख के उन्होंने मुझे मैसेज किया दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सी अंकिता आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू मेक मी प्राउड यू नो तो मुझे कहीं ना कहीं कंगना का हमेशा एक मोटिवेशन uh, रहा है उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है अच्छी चीज़ों को लेके। और हमेशा हम यू नो अच्छी अच्छी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं वो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत वो उनको बड़ा रहता है विकी कैसा है कैसा <laughs> है।, <laughs> है तो हमेशा से कंगना को ये रहा है कि यू नो विक्की है ना अच्छा मतलब शी वॉज ऑलवेज वरेड लाइक अ सिस्टर यू नो सो आपका इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई होना जो आपसे ये पूछे uh, अच्छी फीलिंग आती है एंड यू नो एक

या तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो लोगों को समझ भी नहीं आता बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में भी ना मैं बहुत सही चीजें आपको बताऊंगी मैं आपको कभी पुट डाउन नहीं करूंगी आई विल टेल यू वॉट इज राइट तो लोग कहीं मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं जैसे कंगना को भी यू नो आई थिंक बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है और आ, आ, होता है यार अगर आप बहुत अपफ्रंट हो अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगती और आप लोगों को बताते हो तो आजकल लोगों को अपनी बुराईया नहीं सुननी आपको आप लोग चाहते हैं सिर्फ आप उनकी अच्छाई करो और वही सुनना चाहते हैं सो आई थिंक इस वजह से शायद मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया पर एक चीज बोलू आप जैसे लोग मुझ जैसा इंसान भी राइट right? मैं तो थोड़ा इंपल्सिव तो मैं इमोशनली होके मैं बोल देता हूँ उस yeah. वक्त पर आप जैसे लोग यू माइट ऑफेंड सम पीपल ठीक है पर जो आपकी इर्द गिर्द सच्चे दोस्त लाइफ भर होते हैं बिल्कुल तो आपकी जो दोस्तों की फौज रहेगी दिल बी हार्ड कोर यस

जो बहुत साल पुराने दोस्त हैं मेरे ऐसे भी नहीं बहुत नए नए दोस्त हैं मेरे बहुत सालों सालों से दोस्तियाँ चल रही है और वही चार से पाँच लोग इंदौर के दोस्त भी हैं इंदौर के भी हैं और बॉम्बे में पवित्र रिश्ता से जो मेरे दोस्त बने यू नो वो आज तक मेरे दोस्त हैं और वो ऐसे दोस्त हैं कि उनके साथ अगर मैं बैठ कर या टी वी देख रही हूँ मैं कुछ बात भी नहीं कर रही हूँ उन्हें सरदार तो भी ठीक है आई डोंट हैव टू प्लीज देम और आई डोंट हैव टू कीप देम हैप्पी होता है ना कोई फ्रेंड आया घर यू हैव टू बी देर नो दे बी देर विथ मी और मैं नहीं भी थी तो वो मेरी मम्मी के साथ यहाँ पर थे यू नो दैट इज़ मिलने आए yes, मेरी मम्मी से रोज टच में थे वो रोज मिलते थे रोज बात करते थे कि डोंट वरी आंटी सब ठीक है यू you नो know, आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ में चाहिए जो आप नहीं भी हो ना तो भी आपकी फैमिली को संभाले वो दोस्ती वो टाइप से जो आप नहीं हो तो घंटी बजा देंगे हाँ यू uh, नो you know, शेफ जो घर में जो खाना बनाते तो हैं ये बन, बना के दे दो बैठ के बस आराम से मेरा होना भी जरूरी नहीं है वो कभी भी आ सकते हैं वो यहाँ रह सकते हैं और मैं नहीं हूँ तो मेरा सारा काम भी संभाल सकते हैं मेरी वो बॉन्ड है मेरे दोस्त के साथ और तीन से चार लोग हैं गिनती से मेरे भी तीन ही चार दोस्त हैं यार जी हाँ दोस्तों मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपस टी शर्ट हुडीज मग्स ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे वेन यू लुक बैक पवित्र रिश्ता इट्स बिग रोल पवित्र रिश्ता ने आपको कैसे शेप किया

और uh, मैं पहली बार पवित्र के सेट से बाहर निकल कर क्योंकि बालाजी की शूट आपको पता है दो दो तीन तीन महीना कंटिन्यूस हम लोगों ने शूट किया तो मुझे पता ही नहीं था शो इतना हिट हो चुका है तो जब मैं गई लालबाग का राजा और मैं जैसी टैक्सी से उतरी मैं लिटरली मॉब थी यू you नो know, और लोग सिर्फ यही बोलते थे अड़चनों अड़चना 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 करके और मुझे तो लगता है अच्छा मुझे लोग जानते हैं यू नो दैट वॉज समथिंग मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे पता चला था अब मैं फेमस हो गई हूँ और मैंने उनको बोला मुझे ना बस गणपति के दर्शन करने मुझे पता था बहुत लंबी लाइन लगती है mm. तो बोले हम आपको एक मिनट में दर्शन करा देंगे बोला कैसे तो बोले बस आप एक फोटो दे दो हमको एक बस एक फोटो से और लिटरली हम मैंने फोटोज खिंचवाई वहाँ पे और मैं वहाँ एक कोई उनका रास्ता होता है जिससे वो लेकर जाते हैं और मुझे एक मिनट में गणपति प्पा के सामने खड़ा कर दिया था उन्होंने मुझे सब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस

लोनली फील करती थी जब मैं आया था बॉम्बे मैं थोड़ा लोनली फील करने लगा था इनिशियली आप फील करती थी मैं uh, नहीं तब मुझे ऐसा लोनली कुछ ऐसा लगा नहीं क्योंकि मैं इतनी खुश थी बॉम्बे आके मुझे लगता बस जो भी है मुझे यही रहना है मैंने सारे स्ट्रगल जो भी था मुझे मुझे ना वो स्ट्रगल में भी ना कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती आप आराम नगर सब गई है क्या हाँ हाँ बहुत घूमी हूँ मैं आराम उना? नगर सब जगह लोखंड वाला में घर इधर घर उधर घर सब जगह तो मुझे कभी अकेला नहीं लगा बट आ, मैं ऐसी थी ना मैं अपना रेंट निकालती थी और मैं इंदौर चली जाती थी मैं रेंट निकालती थी इंदौर चली जाती थी मुझे लगता था जब तक तो मुझे एक यू नो एक स्टेबल काम नहीं मिलता तब तो तक तो मेरे को ना मतलब बॉम्बे में मुझे ऐसा लगता है अगर आपको रहना है ना आपके पास काम होना बहुत जरूरी है आप बॉम्बे में बिजी yes, होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहा, यहाँ यहाँ एक्चुअली लाइफ बहुत मैटर करती है तो मैं उतना ही काम मैं अपना रेंट निकाल कर मैं इंदौर चली जाती थी बट जैसे ही फिर पवित रिश्ता मिला फिर मेरी यू नो लाइफ जरा मेरी गाड़ी जो है एकदम सही से चलने लगी तो फिर मैं बॉम्बे में रहने लग गई और फिर धीरे धीरे आपने मेरी जर्नी देखी है जो ग्रो करती है अच्छा मैं क्यूरियस हूँ अब टैक्सी में गई थी पवित्र रिश्ता के सक्सेस के बाद अब टैक्सी में गई थी गणपति बप्पा से हाँ मिलने हाँ हाँ हा। ये क्यूरियस उस समय गाड़ी नहीं खरीदा था क्या नहीं मेरी गाड़ी कब खरीदा आपको पता है 2000 2011 में कौन सी गाड़ी थी मेरी थी सेंट्रो वो भी मैंने अपने मम्मी पापा के लिए खरीदी थी फर्स्ट मैंने मटीज खरीदी अपनी मम्मी पापा के लिए सेंट्रो खरीदी क्या रंग का था सिल्वर कलर की मैंने अपने मम्मी पापा के लिए वो खरीदी थी, थी और मुझे याद है मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी और अ, मेरे पापा बॉम्बे में थे हाँ. दस तारीख को और ग्यारह मार्च को उनकी एनिवर्सरी थी तो मैं उनको बोल रही थी पापा जाओ ना इंदौर जाओ ना इंदौर वो इतना चिड़ गए थे कि क्या इंदौर इंदौर भेज रही अब आऊंगा ही नहीं मैं जा तेरे नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं पैसे मैं फ्लाइट से भी नहीं जाऊंगा मैं ट्रेन से जाऊँगा बहुत गुस्सा करके चले गए थे मुझे चाहिए था वो चले जाए क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी गाड़ी खरीद के रख ली थी इंदौर में यू नो तो वो प्लानिंग थी हाँ तो वो चले गए और जैसे एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां पर कार वेट करी थी स्टिल रिमेंबर मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था वो इतना रोए थे सिद्धार्थ वो इतना रोए थे उनको इतना, उनको इतना इतना सॉरी लग रहा उनकी गिल्टी कि मैंने इस तरीके से बिहेव किया यू नो एंड दैट वॉज अ मोमेंट वेर यू नो माई फादर वॉज लाइक थैंक यूर बेटा यू you नो know? एंड बस उसी के लिए आप जीते हो पता है आपको मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास कोई है ही नहीं ना शेयर करने के लिए वो चीज तो उसका कोई मतलब नहीं है यू नीड टू हैव अ फैमिली वेयर आप इतनी सक्सेस को बता सको यार उनके लिए कुछ कर सको या अपने लिए खुद के लिए भी कुछ कर सको लेकिन वो उस दिन जब पापा का एक कॉल था ना मैंने वाला देखा जबरदस्ती नाराज होते रहते हो मुझ पर मैंने आपके लिए क्या किया तो बोले आई एम सॉरी मिंटू ही टू कॉल मी मिंटू 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 क्या तो या दैट अ मोमेंट

Uh, जैसे हम यू you नो know, um, मैं ऐसे नहीं कहूँगी मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम जिस फैमिली से बैकग्राउंड uh, से है ना सिद्धार्थ वहाँ पे आप पापा के साथ इतने फिजिकली क्लोज नहीं हो ना you know, जैसे गोद में बैठ गए पप्पी ले रहे हो वैसा कभी मेरा प्यार नहीं था पापा के साथ एक होता है ना जैसे अब होती है बच्चे अपने माँ बाप के मैं बेटियों के साथ है, मैं करता हूं वैसे। तो मेरे पापा के साथ मेरा कभी वैसा नहीं था एक था प्यार बहुत है लेकिन वो वाला नहीं था कि वो ऐसे करके बस आई एम प्राउड ऑफ यू वाली फीलिंग थी तो जब मेरे पापा कि डेथ के दस बारह दिन पहले वो जब मेरे साथ यहाँ पर थे यू you नो know, मैंने लिटरली उस इंसान का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखा है मतलब मैंने उनके खाने से लेके उनके डायपर से लेके उनकी हर चीज़ यू नो मेरी मम्मी ने और मैंने यू you नो know, वो मौका उन्होंने मुझे दिया कि मैं उनके लिए वो कर सकूं यू नो और uh, well, यू नो दैट्स इट आई मीन यू नो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने वो चांस दिया कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो लाइफ में उन्होंने कर ले मेरे लिए जो करना है मुझे याद है मैं कहीं बाहर गई होती यूरोप गई होती और मेरे आने के बाद वो घर आए और दस दिन मैंने उनका इतना ध्यान रखा है कि मैं यू you नो know, जब वो यहाँ से जा भी रहे थे ना तो मेरे लिए इतना मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ उनका वो लास्ट मोमेंट है क्योंकि वो यहाँ से उतरे गाड़ी में और उनका गाड़ी में हार्ट फेल हुआ है तो यू you नो know, मेरे लिए वो ऐसा था कि अच्छा बट आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं इतना कुछ सिखाया है लाइफ में कि यू you नो know, वो मेरे लिए हमेशा जिंदगी भर काम आएगा आई एम श्योर इस वक्त यस yes, yes. मुझे याद है ईशा के पापा आए थे जब बिग बॉस में तो uh, मैंने उनको देखा और uh, उन्होंने ना ईशा को वैसे ही सेम वैसे ज़्यादा क्लोजनेस फिजिकली नहीं कर पा रहे थे तो मैं ना लिटरली उनको देख रही थी मेरे को ऐसा रहा था मेरे पापा हैं और उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे बोला ये मेरा अभिमान है यू नो ईशा को बोला और मेरे पापा एग्जैक्ट सिद्धार्थ मुझे ऐसे बोलते थे मेरा अभिमान है तू यू नो And, uh, वो मैंने सुना, मैंने सुना अंकल को बोला भी वहां पर मुझे मेरे पापा बोल रहे हैं ना कि तू मेरा अभिमान है क्योंकि कभी-कभी पा, ना पापा लोग दिखा नहीं पाते अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हाउ मच यू मीन टू देम बट ना उनकी आवाज में कभी कभी ना ऐसे वो भारीपन हो जाता था और वो रोने वाली आवाज नहीं जाती थी हक करते थे ना तो वो फीलिंग आती थी वो बोलना चाहते थे इस वक्त अगर पापा होते आपके बगल में क्या कहते उनको बहुत डांटते वो मुझे पहली बात थे कि इतना लड़के आई है विक्की से सबसे पहले तो इतने चपेटे लगाते मेरी क्योंकि वो हमेशा मेरे को बोलते थे नहीं मैं विक्की को तू करके बात करती हूँ ना ऐसे विक्की तू ऐसा Hmm, क्या बात कर रही है तू तू क्या होता है मतलब यार पापा प्लीज यार हम ऐसे ही है उनको बड़ा गुस्सा आता और मैं विक्की से लड़ती भी थी ना घर पे भी लड़ती थी मैं, रॉन्ग मतलब मैं विक्की को कुछ बोलो ना यार विक्की विक्की को कुछ नहीं कोई बोलेगा लाडला लाडला था अरे बहुत वो हॉस्पिटल में भी थे ना नादार ये जवाई है ये जवाई है बस वो थैंक यू बोलते थे विक्की को और कुछ नहीं बोलते विक्की ने भी बहुत कुछ बहुत बहुत किया है विक्की ने और इसको काउंट नहीं कर सकते हो आप यू नो ये प्यार जो चीज होती है ना उसको आप कितना किया क्या किया ये नहीं होता उसने मतलब उसने ना मेरे परिवार से दिल जोड़ा है बस मैं इतना कह सकती हूँ और वो हमेशा मेरे परिवार के लिए खड़ा रहा है मतलब विदाउट इवन सेइंग यू नो मैं शायद नहीं भी हूँ ना घर पर उसने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है हर तरीके से ख्याल रखा है तो यू you नो know, वो एक ब्लेसिंग होती है माँ बाप की जो ऐसा आपको यू नो हस्बैंड मिलता है जो सच में आपका इतना ध्यान रखे और आपके परिवार का ध्यान रखे और इसी वजह से क्या होता है ना जब विक्की ने इतना कुछ कर लिया है ना परिवार के लिए तो मेरी और डबल ड्यूटी हो जाती कि मैं उसके फैमिली के लिए और ज़्यादा करूँ You understand, तो वो चीजें हो जाती है कि नहीं यार इतना किया है मेरे को इससे डबल देना पड़ेगा क्योंकि वो सच में उसका कोई काउंट ही नहीं है विकी का आई थिंक वो विकी एक ऐसा इंसान है दिल से जो सबके लिए हमेशा रेडी रहता है करने के लिए और वो जब वो प्यार देता है ना वो, वो जेन्यूनली देता है मैं अभी जैसे मैं हमेशा मानता हूँ मैं जानता हूँ हमारे कॉमन फ्रेंड है वो सब बोलते हैं कि विकी यारों का यार है जैसे <laughs> अभी भी मैं आया एंड आस्किंग so yes. के साथ एक इंसान होता है जो पूछता है और बाद में फोन पे लग जाता है कोई बोल रहा है उनको हाँ, फर्क ही नहीं नहीं, नहीं, पड़ता वो टेकिंग yes. एक इंटरेस्ट एक चीज माने जेन्यून yes. था अरे ग्रीन जूस पी ले yeah. बैठ के अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डू ब्ला 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 एंड ऑल दैट व्हेन ये जजमेंट्स आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ इट मस्ट हैव हर्ट सो मच राइट

हम ऐसे एक दूसरे को दोस्ती लेवल पे बोल देते हैं ना तो ठीक लगता है बट वो टी वी पर इतना धड़ धड़ करके आया है एंड इट्स ड्रोमैटिक इट्स नॉट हेल्दी टू वॉच इट्स नॉट नाइस टू वॉच एंड यू नो जो भी किया हमने ही किया है वहां पे कोई वो नहीं है हम ही लड़ रहे थे वहां पे लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्यार है पर खड़े हुए और एक दूसरे के साथ है क्योंकि हम इतना जानते हैं एक दूसरे को अ फाउंडेशन ऑफ लव यू नो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको मालूम था ये ही लड़का मेरा हस्बैंड बनेगा कब था वो एक ट्रिगर पॉइंट

रिमूव द नेगेटिविटी बट मुझे विकी का मुझे याद है जब मैं और विकी हमने बात हम दोस्त hmm. थे मेरे सपने में आता था बहुत you know, मुझे बार -बार, ये कुछ मेरे हाथ मांगता था या ऐसा कुछ सपने होता में था. हाँ, मांगता हाँ, और इसको भी हूँ और ऐसा कुछ कुछ और मैं इसको बोलती भी थी नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में इसको बार बार कैंसिल करती थी नहीं तो है नहीं मेरा मतलब हम नहीं है शायद एक दूसरे के लिए बट कहीं ना कहीं अंदर से ना मुझे यूनिवर्सल कॉलिंग थी इज द वन आई ऑलवेज फेल दैर ही

मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा वो बस एक मुझे ऐसा लगता है उस मोमेंट पे उन्होंने वो चीज़ बोल दी थी क्योंकि अलग थे हमारे तो उनको ऐसा लगता था और जिस इंडस्ट्री से हम लोग हैं उनको एक वो डाउट था लेकिन मुझे शादी के पहले भी और अब शादी के बाद भी मुझे कभी फीलिंग नहीं आई सिद्धार्थ की मम्मा को ऐसा कुछ था उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को हमेशा यू you नो know, उस उस जोन में देखा है जहाँ पे हमने बहुत लवी डवी रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक मैं मम्मा को हमेशा एक चीज़ बोलती आई हूँ कि मम्मा आपने ना अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं यू नो जिस तरीके से वो हर किसी को संभालता है प्यार करता है यू you नो know, मैंने हमेशा उनको ये चीज़ अपने तरीके से समझाइए और मुझे मम्मा का हमेशा उस चीज़ पे बहुत मुझे उस घर से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बांध कर रखा है या ये नहीं करना है वो नहीं करना है यू you नो know? कभी ये फीलिंग नहीं है उन्होंने हमारे रिश्ते को हमेशा बढ़ावा दिया है और हमेशा हमें बताया है कि फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं क्योंकि मेरे घर में भी वही चीजें इंपॉर्टेंट है फैमिली वैल्यूज और विक्की के घर में भी तो हमेशा मम्मा पापा ने हम दोनों को बांध के रखने की हमेशा कोशिश की और कोशिश किया हमारा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमेशा से था कि यू you नो know, मैं जब भी बिलासपुर जाती हूँ उनको बड़ा शौक है कि मैं साड़ियाँ पहनकर घूमू मैं बहुत सुंदर उनको ना ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सुंदर है उसको उनको सबको दिखाना होता है तो उनको हमेशा लगता है कि ना उनको ना जो आस पास पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको दिखाना होता है कि मेरी बहू मेरी बहू

मतलब मैं मदर इन लॉ एंड फादर इन बहुत मतलब मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्ड रही है उनके साथ मैंने बहुत विक्की जितना अपने मम्मी पापा के साथ मस्ती नहीं करता होगा ना उतनी मैंने पापा के साथ मस्ती की है। उनके पापा के हाँ साथ। मैं इतना उनसे जॉली मतलब उनका नेचर यू you नो know, शायद विक्की का एक होता है कि नहीं पापा है मेरे लिए ऐसा लगता है कि यार मेरे पापा के साथ मैं कैसी हूँ मैं वैसे अपने पापा मम्मी के साथ मैं उनके साथ बिल्कुल वैसी रहती आई हूँ उतनी बिंदास उतनी मस्ती करने वाली तो मेरा बॉन्ड आई थिंक इतना हमेशा अच्छा रहा है लेकिन ये जो भी बिग बॉस की जर्नी के टाइम हुआ मुझे ऐसा लगता है वो मम्मी है यू नो कहीं ना कहीं एक एक बायसनेस हो जाती है अपने बच्चों की तरफ यार वो उनके लिए हो गई क्योंकि विक्की कभी रोया नहीं था आज तक तो उनको जब विक्की को रोते हुए देखा तो उनको लगा कहीं ये बहु तो तकलीफ नहीं दे <laughs> तो उन ऐसा उनको तब लगा मदरली और... इंस्टिंक्ट्स exactly, हो हो जाते है। हो जाते हैं yeah. हैं शायद मेरी मम्मी भी होती तो यू you नो know, उसको भी ये लगता लेकिन मेरी मम्मी ने उसको अलग तरीके से हैंडल किया और मेरी जैसा लगता है मेरी मदर इन लॉ ना बहुत मेरे जैसी है कि मैं जो हूं ना मेरे को जो फील होता है मैं तुरंत आपको बता दूंगी मेरा इंटेंशन वो नहीं होगा एंड मैं मदर इन लॉ इज एग्जैक्टली द सेम आपको मुंह पर बोल देगी लेकिन उनको लगे शर्ट यार मैंने कुछ गलत यार मुझे लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूं मैं भी ऐसे मैं वो दैट्स पर कसम ऊपर वाले की आई स्वे ऑन गॉड मैं ऐसे में मैं हर्ट फील करता मैं पड़, पड़, हाँ, पड़, पड़, बोल जाता तो जो मैंने वो देखी मैंने कुछ फुटेज मैंने ज्यादा देखा नहीं वीडियो क्योंकि मुझे देखना ही नहीं जब मेरे लिए वो फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या बोल दिया ठीक है बोल दिया होगा यार मम्मी है बोल सकती है तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया और जैसे ही हम बाहर आए हम मिले इट ऑल डन मतलब आपको वो टॉपिक ला कर उस चीज को बढ़ाने की बात करने की मतलब मेरे को कोई शौक नहीं है ना उनको शौक है जो हमेशा रिश्ता एक रिस्पेक्टफुल रहा है वो हमेशा रहेगा अगर मैं उनसे वो क्वेश्चंस भी करती तो मेरे लिए यू नो गलत हो जाता मैं मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे चौहरा पे खड़े होकर सवाल नहीं पूछता और मैं एक और चीज विश्वास करता हूँ अंदर रखना ये नहीं मिलना वो नहीं मिला उ कैन यू जज समयल सराउंडिंग अगर आप अपने डोमेन में और तब वैसे बिहेव करते हाँ. हो तेन लोग कह सकते यार, पर यहां पर तो अनरियल है यार आपने इंटरव्यू से पहले इफ आई है परमिशन आपने मुझसे कहा यार मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बिग बॉस में राइट वो सिचुएशन

और यू uh, नो you know, मैं खुद अपने आप को नहीं देख पाई तो यू you नो know, पेरेंट्स कैसे देखेंगे यार मेरे से नहीं बर्दाश्त हो और मेरे को सच बोल रही हूँ या आई मीन आई डि नॉट लाइक इट एंड यू नो समेयर इट्स अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ आई फील दैट यू नो इट्स नॉट हेल्दी टू वॉच इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी टू वॉच फॉर मी एंड मैंने विकी विकी इज़ अ वेरी यू नो वो बोल देता है कि यार इट्स ओके इट्स ओके मंकू यू नो कोई बात नहीं बट यू नो कहीं ना कहीं उसे भी वो अफेक्ट की है चीज़ें यू you नो know, मुझे पता है वो चीज़ हुई है एंड इन माई लाइफ मैंने कसम खाई है कि आई विल नॉट बिहेव लाइक दिस यू नो ये मेरे अपने लिए और मैंने विकी को भी बोला तू भी सीख ले तूने क्या गलत किया है तुझे भी बिहेव करना है प्रॉपरली ऐसा नहीं मैं ही करती रहूँगी और तू नहीं कुछ करेगा <laughs> तो यू you नो know, It's a, it was a learning process, क्योंकि जो भी हुआ चीजें नॉट जस्ट विदी आई थिंक विद एवरी वन यू नोकि लड़की नहीं सिदार की, मैं किसी से भी ना ऐसी, आप, जैसे वो लड़ते हो बिग बॉस में उस you know, like you know, घर में जाके आपने क्या कुछ नहीं सुना है अपने बारे में और क्या कुछ नहीं बोला है लोगों को तो कहीं ना कहीं इट्स अफेक्टिंग मी एंड लोगों को लगता है की वजह से आप इनसिक्योर हो गई थी कि मना I'm not imba I'm not थी, मैं क्या मतलब वहां उस घर में ऐसा होता है ना एक वर्ड मिल गया आपको इनसिक्योर तो आपने उसको टैग कर लिया।, लिया पकड़ लिया इट वॉज मैं अगर इनसिक्योर होती तो मैं फिर हर लड़की के लिए इनसिक्योर होती वहाँ पे वहाँ तो कितनी दोस्त थी विकी की जिनके लिए विकी यो सबके साथ मस्ती करता था खानजादी थी सना थी और ईशा थी कितनी हम सब के साथ मस्ती करते थे लेकिन मुझे मनारा ने मनारा का एक अलग चीज़ था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मनारा और मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी था और उसमें यूरो जब उसका मुनावर और अनुराग से दोस्ती खत्म हो गया तो अब वो इस साइड आ गई है तो मैं विकी को बार बार समझाती थी विकी वो है ना जानबूझ के ये मुझे लगता था यू you नो know, चिढ़ाने की कोशिश एक मुझे ऐसी फीलिंग आती थी वो ऐसा टाइप का था तो कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत पॉजिटिव हूं आई एम नॉट इनसिक्योर बट आई एम डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव नॉट जस्ट फॉर माई हस्बैंड आई थिंक आई एम पॉजिटिव फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो आई एम पॉजिटिव फॉर माई मदर ऑल्सो अगर मेरे अलावा कहीं और प्यार बटेगा तो मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ तो मुझे मैं ऐसी हूँ अब मैं क्या कर सकती हूँ और मैं वहां पर वो दिखाया और बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लोग मुझे इनसिक्योर बोलते हैं अगर मुझे बोलते हैं मैं पॉजिटिव हूँ इट्स ओके मैं अपने हस्बैंड के लिए हूँ क्या करना है बोलो और लोग बेस्ट तो फ्रेंड्स के साथ भी हो जाते हैं यार मैं तो हूँ मैं बता रही हूँ ना अगर आप मेरे बहुत क्लोज हो जाओगे और अगर आप किसी और के साथ बहुत हैं हैं हूँ करके मैं आपकी अच्छा बड़ा बात कर रहा है उससे मेरा दोस्त है ना तू

चंपर्स टी मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे लोगों का कहना कि आप क्यों चाहती थी कि अभिषेक वापस घर में आए जब आप ईशा की दोस्त थी इट्स नॉट अबाउट ईशा और अभिषेक अभिषेक के साथ मैंने ना हमेशा एक एक यू uh, नो you know, जब आप उस uh, आप मेरा एक मच्योर साइड भी था जो मुझे लगता है कि जब मैंने अभिषेक को उस तरीके से देखा था मुझे वो लड़का है ना सच में uh, एक फीलिंग आती थी दैट इज अ वेरी ही वांटेड टू बी देयर इन द हाउस यू नो ही वांटेड टू विन द कॉम्पिटिशन और ही वांटेड टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे उसको वो मेहनत करता था वो जो भी करता था उसके लिए वो मेहनत करता था तो ईशा जब एक डिसीजन एज अ कैप्टन मुझे लेना पड़ा कि uh... अब मैं मुझे इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा तब मैंने एक राइट right डिसीजन लिया एज ए कैप्टन क्योंकि वो बिग बिग बॉस के तरफ से भी आया था कि जो रूल्स ब्रेक हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो मैंने मुझे जो सही लगा मैंने वो किया लेकिन जब मुझे मौका मिला जब मुझे सलमान सर ने एक चीज़ समझाई वहाँ पर जब वीकेंड के वार पर क्यों ना पोकिंग लेवल बहुत हाई था और ये सार तो मुझे लगता है एक फेयर चांस हर किसी को मिलना चाहिए और मुझे बस वही लगा कि अभिषेक को वो फेयर चांस मिलना चाहिए था और इसी वजह से मैंने उसका हाथ मैंने अपना हाथ उठाया था जिसकी वजह से मेरे अपने लोग मेरे बहुत अगेंस्ट गए थे लेकिन आई थॉट दैट वॉज अगर मेरे एक हाथ उठाने से वो बंदे का कुछ अच्छा होता है और यू you नो know, अगर वो घर के अंदर आ सकता है तो आई डोंट माइंड दैट अभी शिकायत है मेरे शो पे सेपरेटली hmm. uh, वो बहुत इमोशनल हो गए थे अबाउट हिज मेंटल वेलबींगेस उन्होंने रिक्लेक्ट किया आंखों में भी आंसू आ गए थे आई uh, थिंक कुछ भी हो लड़ाई झगड़ा को पर इस पे नहीं होना yes, चाहिए यस yes, मुझे भी बस उतना लगा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ यार मतलब मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है you know, आपको आप, आप गुजरे उससे मैं गुजरी नहीं हूँ लेकिन हाँ एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत लो थी यू you नो know, एक पास्ट में जब हुआ था तो मुझे पता है कि यू you नो know, आपको शायद लोग समझ नहीं पाते उस टाइम पे इर्द गिर्द लेकिन आप खुद अपने आप को इतने आप अपने आप को खुद नहीं समझ पाते यार आपके लाइफ में क्या हो रहा है यू नो जिस तरीके का अभिषेक का एक नेचर है यू नो इतना पॉजिटिव नेचर और यू नो प्यार में मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं वैसा प्यार करने वाला इंसान हूँ तो मैं अभिषेक को हमेशा बोलती थी यार हम समझते हैं यार एक दूसरे को हम पॉजिटिव लोग हैं यार हम समझते हैं तो यू नो भाई कहीं ना कहीं हम शायद अभिषेक और मेरे बहुत एंटी रहा होगा लेकिन मेरा अपनी तरफ से ना हमेशा एक उसके साथ Uh, क्योंकि विकी और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था पहले यू you नो know? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने देखा था और मुझे हमेशा लगता था कि ना एक देवर वाली फीलिंग आती थी मुझे अभिषेक को देखे और मुझे ऐसा लगता था कि ना इसका और विकी का झगड़ा होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था यू you नो know, तो कहीं ना कहीं मैं उसका भले ही मुझसे अंकिता लोखंडे अंकिता लोखंडे वो करता रहता था लेकिन मुझे एक उसके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर था तो इसीलिए जब वो मेरे को मौका मिला और यू नो तो मैंने हाथ उठाया और मुझे लगा उसको घर पे होना चाहिए

तो बस उतने इसमें हमारा बहुत प्रॉब्लम हो गया था और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे भूल गया था यू you नो know, उस दोस्ती के इसमें जब अभिषेक और मनारा वापस आ गए तो मुझे वो छोटी सी और थी लेकिन यू नो आई एम अ वेरी मच्योर पर्सन लाइक दैट यू नो दर्थ मैंने लोगों को आई

मैं जेन्यूनली एम नॉट कीपिंग वेल मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं और मेरी मुझे ना एन्जाइटी इश्यूज़ हो गए थोड़े तो मैं उस चीज़ को थोड़ा रिकवर करने के लिए थोड़ा दूर रह रही हूँ इन चीज़ों से सो या आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स तो इसीलिए मैंने अभिषेक को भी बोला बट आज पार्टी है हमारी नाइंथ को बिग बॉस की है न आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरी वन फॉर दैट मैटर एवरी वन आपने कहा आपको एंजाइटी इश्यू है हाँ, इस वक्त आफ्टर अभी show. हो गया है मुझे सडनली मुझे बट आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट यू आप ओपनली बोल रही हैं इसमें मैच्योरिटी है दैट yes. मींस आप अपने आप को अच्छी तरह समझती हैं एंड पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट देमसेल्व्स आर पीपल हु आई गेट अटैच्ड टू वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट देम तो आपने कहा विक्की को भी

यू you नो know, uh, इतना सारा यू you नो know, लोगों के इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें और क्या होता है ना सिद्धार्थ जैसे मैं अभी भी कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी मैंने कुछ uh, इंटरव्यू दिए उसमें क्या होता है आप एक लाइन बोलते हो और उस लाइन को इतना घुमा फिरा के उसको बड़ा कर दिया जाता है क्योंकि मैंने uh, अभी कोई एक लाइन थी जो यू uh, नो you know, मैंने बिग बॉस के बारे में किसी यू नो रिपोर्टर ने मुझे बोला व्हाट डू यू थिंक इट्स अ पॉपुलैरिटी बेस्ड शो और इट्स अ पर्सनैलिटी शो ये लाइन उन्होंने मुझे बोली और मैंने फिर उनको बोला हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा है तो क्या होता है कि चीज़ें जब ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुनवर के अगेंस्ट जाके मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ आई डोंट लाइक इट यू नो मेरा वो स्टेटमेंट आप क्या कोट कर रहे हो वो गलत कोटिंग है क्योंकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं आपने मुझे पूछा मैंने आपको आंसर दिया और आपने बोल दिया कि मैंने बोला सो यू नो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती पर भी अफेक्ट कर सकती है किसी को ये लग सकता है मैं ये बोल रही हूँ बट मेरा इंटेंशन वो होता ही नहीं है और लोग उसको इस तरीके से कोट कर करते तो मुझे लगता है मैं इन चीज़ों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ मुझे जेन्यनली अभी लगता है कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई कॉन्ट टेक इट आई कॉन्ट टेक इट क्योंकि किया किया जाता है, किया जाता है है एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी मी बिकॉज आई आई एम एम समबड़ी समबड़ी इफ इज क्लोज टू और उसके लिए मेरे अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है ना तो मैं ना उस बंदे को या बंदी को क्लैरिफाई करूंगी विच आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज मैं हर किसी को समझा नहीं सकती लेकिन वो मिस अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी हम दोनों के बीच तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कम इंटरव्यूज दो मैं कम बातें करूँ ना उतना ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो आप घर में बहुत रो रही थी आप

कोई भी छोटा छोटा कोई कमेंट कर देता था ना मुझे लगता था शिट यार मुझे याद है कि कुछ uh, मेरे यू uh, नो you know, इस पर हुआ था uh, मेरी सर्विस पे हुआ था एक बार मेडिकल रूम में जाकर हम लोग जो हुआ था बालों का कुछ बताया गया था मुझे इतना हर्ट हुआ था कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे मैंने इस तरीके से नहीं बोला है यू you नो know? मैं इतना रोई थी उस रात को मैं उस घर में जाके मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा मुझे ना कोई मुझे ऐसी भी उंगली करता था ना मुझे बुरा मुझे लगता नहीं ये मैं यू नो इट्स नॉट अ पता नहीं मतलब मैं ऐसी थी नहीं मैं पहले ऐसी थी यू you नो know? मैं आज कल भी मैं अपने लाइफ में ही बोली थी आई बिकम वेरी काम आई बिकम वेरी शांत मुझे लगता है मैं किसी को कुछ बोल दूँ कि कुछ मिसकोट ना कर ले कुछ कुछ और ना समझ ले यू नो बिकॉज पीपल आर जजिंग यू हर मतलब छोटी, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको जज करे और मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ जो बिग बॉस में ऊपर आए वो सबसे ऊपर है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन मुझे बस इस कॉम्पिटिशन वाली जो सिचुएशन है ना जहाँ पे ये ज़्यादा बेटर वो मुझे ना मुझे ना ऐसा लगता है कि लोगों को गिराओ मत यू you नो know, आज सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ें होती है जो आप देखते हो अब यू डोंट फील गुड अबाउट इट नॉट जस्ट फॉर मी आई थिंक फॉर वन दे यू नो राइट अबाउट एनी बडी एल्स ऑल्सो इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग क्योंकि वहाँ पर उस घर में ना हर कोई इतना मेंटल टॉर्चर से गुजरा है ना नॉट जस्ट

उसने मेरे सारे हाईज एंड लोज अप्स एंड डाउन एवरी उसने मेरा सब कुछ देखा है तो मुझे लगता है कि यू you नो know, वो कहीं ना कहीं मम्मा का वेट कर रहा था कि बस मम्मा आएगी और फिर मैं तो आप जब आई हो चला गया हाँ बस मैं गई उससे एक दिन मैं उसके रही हूँ प्रॉपर और मैं सुबह अगले दिन यहाँ घर पे थी तो बस वो चले गए ऊपर बट आई एम वेरी श्योर ही वॉज अ वेरी हैप्पी सोल वेरी हैप्पी सोल और वो भी जहाँ भी होगा ना लाफिंग प्रोबेबली <laughs> आपके पापा के साथ आपको देखकर स्माइल कर रहे होंगे दोनों बैठे ऊपर हाँ बिल्कुल एकदम खुशी से वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम सुशांत वो क्या है आई थिंक हार्ड वर्क मुझे लगता है सुशांत वाज वेरी हार्ड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड वर्किंग अबाउट हिज वर्क अबाउट एवरीथिंग यू नो वो अपना मतलब सब कुछ दे देता था उस चीज़ में तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का जो इतना मेहनती था और यू you नो know, इतना काम के लिए डेडिकेशन उसका था मैंने वो सीखा नहीं एक्चुअली उससे मैंने उसको देखा करते हुए बट मैं खुद इतना डेडिकेटेड हो नहीं पाई काम को लेकर तो मुझे लगता है कि हाँ बट वो चीज़ हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ सुशांत की कि उसकी जैसा हार्ड वर्किंग लड़का मैंने सच में नहीं देखा बार बार अपने आप को क्यों कहते हैं आप हार्ड वर्किंग नहीं हो यहाँ तक कोई मैं हूँ वैसे हार्ड वर्किंग हूँ लेकिन होता ना कि वो कुछ जैसे उसको कुछ चाहिए होता था ना उसके वो पीछे भागता था जुनूनी था जुनूनी था आई एम पैशनेट बट आई एम पैशनेट वेन आई हैव दैट वर्क मतलब अगर मेरे को आप प्रोजेक्ट दे दोगे मैं आपका हंड्रेड परसेंट दे दूंगी मतलब आप फिर उसमें मेरा कोई वो नहीं बट मैं भागती नहीं हूँ काम के पीछे आई एम नॉट समबड़ी नॉटड रन कि मैं इधर भी चली जाऊँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ मैं वैसी नहीं हूँ मैं अगर एक है ना तो मैं एक ही करूँगी मैं एट अ टाइम मैं यू नो यहाँ पर यहाँ भी मीटिंग कर लेती हूँ वहाँ भी मीटिंग कर लेती हूँ वो नहीं हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझ में कमी है यू you नो know, तो मुझे वो चीज़ डेवलप करनी एंड मुझे याद है जब भी मुझसे रेडियो इंटरव्यूज करते थे उनका नॉलेज इतना yes, था yes, दिमाग ही तो था सब कुछ जो था बस उसका दिमाग में बहुत कुछ था तो या आप विकी के साथ उनको बिजनेस में हेल्प करते हो कि नहीं? हा, 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 विकी के साथ विकी का दिमाग उससे पता नहीं दौड़ता है इज वेरी और उसका मुझे लगता है विकी को मेरी जरूरत नहीं दिमाग के मैटर में मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है तो मुझे उसकी हेल्प की मुझे उसकी हेल्प करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने से पहले अब क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लाइफ में मैं बस पीस एक्सपेक्ट करती हूँ मैं इतना सब कुछ बिग बॉस में आने के बाद इतना सारा जो प्यार लोगों का मिल रहा है जेन्यून प्यार जो होता है जैसे कहते हैं इतना प्यार मिल रहा है उसको यू you नो know, लोगों को वापस आपके काम के थ्रू लौटाना चाहती हूँ जो मैं जो मैं काम करूँगी चाहे मेरी फिल्म हो चाहे मेरी वेब सीरीज़ हो चाहे कुछ भी हो मैं बस उन्हें उस तरीके से एंटरटेनमेंट के नाम पे जो हम कहते हैं मैं उन्हें जिंदगी भर एंटरटेन करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि वही मैं हूँ अगर मैं कह जैसे बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट 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 मुझे लगता है चाहे मैं कहीं भी रहूँगी ना मेरे आसपास की कंट्रोवर्सीज हमेशा बनती रहेगी बस इतना ही है मेरा मोटिव अब कि हार्ड वर्किंग और फैमिली uh, और घर में पीस चाहिए बस जब आप के होती हाँ रहती है पर मैं क्या कहता हूँ पर आप इतने साल इंडस्ट्री में रहे हो अब तो आप बहुत हैंडल कर सकते हो अब क्या हो गया ना मेरे साथ विक्की जुड़ गया है पहले जब मैं अकेली थी ना मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे लगता है कि ठीक है मैं हैंडल कर लेती मैं पढ़ती भी नहीं हूँ अपनी न्यूज़ मैं सच बोल रहा मैं अपना फोटो देखती हूँ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ खत्म मेरे लिए बात हो जाती है <laughs> मैं ऐसी हूँ बट अभी क्या हो गया जब से विक्की आ गया ना तो मुझे लगता है कि यू you नो know, कहीं कुछ उसके लिए कुछ अगेंस्ट ना चला जाए आई डोंट वॉन्ट दैट क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एज अ कपल यू नो इट मैटर्स टू बोथ ऑफ फास्ट और क्या आ रहा है ना आर्टिकल कहीं उसको वो अफेक्ट ना करे मुझे नहीं करता था पहले अफेक्ट लेकिन अब क्या हो रहा है अब मुझे जस्ट बिकॉज ही इज़ इन टू माई लाइफ वो मुझे ज़्यादा अफेक्ट करने लगी हैं चीज़ें जो पहले नहीं करती थी जेन्यूनली मैं इतना सोचती भी नहीं थी सिद्धार्थ मैं जेन्यूनली आपको बता रही हूँ आई वॉज नेवर डीप थिंकर बट यू नो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दैट हाउस आई बिकम वेरी मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है यू नो इट्स नॉट हेल्दी बट येस अब जा रहा है मेरा दिमाग और मैं अपने आप को मैं वही यू नो आई एम ट्राइंग टू बैलेंसड मैं मेडिटेशन कर रही करूँ बहुत चीज़ें कर रही हूँ जैसे कि मैं काम रहूँ और यू नो तो ज़्यादा सोचू ना क्योंकि एक्चुअली वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत हैप्पी गो लकी लड़की हूँ मैं बहुत इंजॉय करने वाली लड़की हूँ और मैं करती भी हूँ ऐसा नहीं मेरे डेज हैं मैं कभी कभी बहुत इंजॉय कर लेती हूँ कभी कभी बहुत उदास हो जाती हूँ विच इज़ नॉट हेल्दी विच इज़ येस इट्स नॉट हेल्दी सो आई एम ट्राइंग टू यू नो गेट अ बैलेंस इन माई लाइफ सो दैट एक महीना और देखकर बिग बॉस मैं नींद में भी मैं बता रही हूँ मैं जब आँखें बंद करती हूँ ना मुझे बिग बॉस इतना मैं डर जाती हूँ मैं लिटरली मेरी आँखें खुल जाती बिकॉज यू नो दैट फीलिंग ऑफ आप एक घर में बंद दो वो अब रियलाइज होता है कि एक्चुअली हम इतने ढंग से बंद थे यार अब फीलिंग आती है कि यू कैन एक्चुअली सी दस का यू कैन फील गुड अबाउट यूर सेल्फ यू नो तो uh, वो एक uh, कहीं ना कहीं मेरे, मेरे लिए बहुत ट्रोमैटिक हो गया है इट इज नॉट हेल्दी फॉर मी बेस्ट पार्ट इज आपको सारी रियलाइजेशन अंदर से आती है एंड दैट इज द बिगेस्ट रियलाइजेशन है